जय गुरुदेव, जय महर्षि। ये क्लास 9th के लीनियर इक्वेशन एंड देयर ग्राफ, वी आर रिप्रेजेंटिंग द ग्राफिक, रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ्स ऑफ सम लीनियर इक्वेशंस वी हैव ड्रॉन ऑलरेडी। दैट इज, दिस इज line equation line A represented by the equation 7x plus 6y is equal to 42। अब इस equation में हम यहाँ पर A point के coordinate देखें तो यहाँ पर एक point के coordinate क्या है, 0 7 रख के देखिए, यहाँ x 0 रखिए, यहाँ 7 y की वैल्यू 7 रखिए तो 42 आ रहा है। यहाँ पर देखिए B पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखिए तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 6, ये 6 है और y कोऑर्डिनेट 0 है इसमें, तो यहाँ x की वैल्यू 6 रखिए और y 0 रखिए तो भी 42 आ रहा है। तो ये लाइन ए बी जो है हमारी, ए ये है, ये लिखा है ए बी, ये हम ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये ग्रीन है हमारा, है ना। ये वाइट रेड से रिप्रेजेंट हो रहा है सी डी, सी और ये डी लाइन है। इसमें भी इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट देखें तो ये यहाँ से आ रहा है 5 और 0 रख के देखें, यहाँ पर वैल्यू हम वाई सॉरी 0 5, तो 0 एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 5 तो ये आ जाएगा 15। और यहाँ पर D की वैल्यू देखिए, X की वैल्यू 15, Y की वैल्यू 0, तो भी यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, X 15 रखिए और Y 0 रखिए तो ये हो, तो D पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से ये E एंड F पॉइंट, ये ई एफ लाइन पर हम E पॉइंट 0 0 है तो यहाँ पर -0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ये 7x है, y भी 7 है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं या ये इक्वेशन इस फॉर्म में, ये सॉफ्टवेयर इस फॉर्म में लेता है, मगर हम इसको अपने कोर्स में इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस लाइन को। तो ये हमारा ये ब्लू से दिखा रहा है। अब हमारे आपको क्लियर हो गया कि ग्रीन लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही, ब्लू लाइन ये सी है रिप्रेजेंट कर रहे, और सी जो हमारे बी लाइन है ये रेड से रिप्रेजेंट कर रही, और इसका इक्वेशन एट दिस स्टेज ये है अभी हमने ड्रा किया। ये सॉफ्टवेयर बहुत मतलब इंटरेक्टिव है और इससे आप ऑटोमेटिक अभी हम चीज शिफ्ट करेंगे बाई विद द हेल्प ऑफ माउस, क्लिक करके ड्रैग करेंगे हम, हाँ लेफ्ट क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे किसी भी पॉइंट को, या तो हमारे पॉइंट ई छोड़कर सभी पॉइंट हमारे ड्रैग हो सकते हैं। हाँ तो इससे हमारे जैसे ही हम ड्रैग करेंगे हमारा इक्वेशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ये तो तीन इक्वेशन हमने रिप्रेजेंट किया, अब ये तीन से हम कई हजार इक्वेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मगर सिर्फ मैं आपको यहाँ पर दो तीन चेंजेस करके बताता हूँ। ये हमने यहाँ ये रख दिया, इसको 6 पर ले आया। अब देखिए इक्वेशन हमारा क्या 6, ये देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो गया। अब यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट देखिए 0 6 है, तो x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 6 तो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ b का कोऑर्डिनेट क्या है, 6 0, तो x की वैल्यू 6, b की वैल्यू 0 रख के देखिए ये सेटिस्फाई हो रहा। अब हम और इसको चेंज करके देखें, हम इसको थोड़ा ये 4 ले आया हमने, इसको हम यहाँ 8 में कर दें। अब देखिए इस पॉइंट की वैल्यू, सी पॉइंट
के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, 4। तो यहाँ हम अगर एक्स की वैल्यू 0 रखें और वाई की वैल्यू 4 रखें तो क्या हो जाएगा, 2, 4 = 8। तो ये सेटिस्फाई करा। इसी तरह से डी पॉइंट को भी देख लीजिए, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है, 8, 0। तो इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर गए, एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू 0 है यहाँ पर, राइट। तो ये हमारे यह इसको सेटिस्फाई कर गए, 8 यहाँ रख दिया हमने, यहाँ 0 रखा, तो ये हमारा 0 हो गया। तो 8 = 8, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। और ये अब इस पॉइंट को देख लो भाई, हम शिफ्ट कर रहे हैं, ये हमारा वाई इज इक्वल टू, ये शायद हमने इसके प्रॉपर्टी में यह फिक्स कर दिया होगा, हाँ ये फिक्स ऑब्जेक्ट किया, तो ये हम हटा दिया और ये कर, अभी फिक्स ऑब्जेक्ट हट गया हमारा, ये हम शिफ्ट कर सकते हैं, ये ले लिया हमने इस स्टेज पे। ये देखिए, ये तो 0, 0 से जा रहा, तो दोनों 0 हुआ। यहाँ पर ये देखिए, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, हाँ ये 7 और 4। तो जब हम 7 रखेंगे एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पे, एक्स की वैल्यू 7 रखिए, तो ये क्या जब -4 × 7 = 28 हो जाएगा। और y की वैल्यू 4 रखिए, ये y पॉजिटिव है, तो 4 रखा हमने, तो ये 7 × 4 = 28 + 28 होगा, -28 + 28 = 0। तो ये हमारा सेटिस्फाई। तो हम कितने भी इक्वेशन ये ड्रा कर सकते हैं, और हम इसको ये देखिए यहाँ अब बीच में रखेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा वैल्यू, हाँ ये यहाँ रखा हमने तो फ्रैक्शन में, तो वो तो हम करना ये है, तो हम इसको होल नंबर जहाँ आ रहा है, एक जो हमारे ग्रिड का क्रॉस सेक्शन है उस पॉइंट पे रखें, तो हमारे देखिए इक्वेशन ये अलग अलग आते जाते हैं। और बहुत सारे इक्वेशन का हम ग्राफ को समझ सकते हैं, ये हम ये नहीं कह रहे कि हम ये आप, और फिर इसको समझने के बाद आप ड्रा करिए और ये करिए कि देखिए हम कैसे इक्वेशन और वैल्यूज आपको टेस्ट करना, तो वो वाला पार्ट आपका है ना, टेस्टिंग द वैल्यू वाला, ये आपका आप आराम से कर सकते हैं, हाँ। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है, हमने 3 ग्राफ तो ये पहले बताए थे, और उनको शिफ्ट करके और 3-4 तरीके से फिर हमने और कर दिया, और एक हाथ करना हो तो देखिए ये 6 और 4 ले लें हम, यहाँ ले लो आप इसको, हाँ ये आ गया आपका, हाँ। तो ये देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मतलब ये हो जाएंगे 0, 6, इसमें रख के देखिए 0, 6, 0 यहाँ रखे, 6 यहाँ, तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए 4, 0, तो एक्स वैल्यू 4 यहाँ रखें तो 3, 4 = 12, और वाई तो 0 है तो छोड़ दीजिए, हाँ 0 है तो 12 ही होगा। तो इस तरह हम बहुत सारे कितने इक्वेशन हम बना सकते हैं, ये 2 पे लिया हमारा, ये देख लीजिए x + 4y = 0, ये नया इक्वेशन हो गया। अब हम चाहते हैं कि नहीं हमारा ऐसा हो, ये अलग हो गया भाई, ये नया इक्वेशन बन गया, हाँ। तो बहुत सारे इक्वेशन का हम ड्रा करने का इससे सीख सकते हैं, ये हमारे। तो इस तरह से आपको आशा है कि ग्राफ ड्रा करना और उनके ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू रख के उनको और टेस्ट करना, या वो इनको सेटिस्फाई हो रहा है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट उस लाइन पर है या नहीं। इसको आपको ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको इस क्या करना है, वाई के टर्म में रिप्रेजेंट करना हो, 2y = 12 - 3x और y = 12 - 3x/2 करके एक इक्वेशन लीजिए, टेबल बनाते हैं हम एक्स और वाई की वैल्यू, फिर सेलेक्ट करते हैं कि जिससे होल नंबर हमारा, ट्रायल एरर मेथड से आपको करना है, वो आपको टीचर ने बताया होगा, हाँ। तो ये आपको ग्राफ ड्रा करना
नाइन्थ और टेंथ में है कि कुछ ICSE में टेंथ में होगा, CBSE में नाइन्थ में होगा, ऐसे चीजें मैंने नाइन्थ यहाँ लिखा है कि नाइन टेंथ वाले लोग दोनों के लिए ही उपयोगी है। तो आप इसको, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इसको लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।